इंदौर में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन ने कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण किया और कहा, इन डॉक्टरों के ही वजह से आज मैं आपके सामने खड़ा हूं। उन्होंने कहा, हमारे डॉक्टर इतने काबिल हैं कि मैं कभी इलाज करवाने विदेश नहीं जाऊंगा। इस दौरान अस्पताल के चेयरमैन टीना अंबानी, अनिल अंबानी और जया बच्चन भी मौजूद रहे। इंदौर में कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल का लोकार्पण करने आए मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद अमिताभ बच्चन ने कहा कि इंदौर आकर मुझे आनंद आ रहा है। ये भारत का सबसे स्वच्छ शहर है। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इंदौर देश का सबसे स्वस्थ शहर भी बने। अमिताभ ने आगे कहा कि अस्पताल के उद्घाटन के लिए बहुत सही आदमी को चुना गया है। 1950 से अभी तक शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जिसने इतने अस्पताल देखे होंगे। इन डॉक्टरों की वजह से ही मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। इंदौर शहर को घोषित किया है कि वो सबसे स्वच्छ शहर है भारतवर्ष में। आज इस अस्पताल के उद्घाटन के बाद मैं कहना चाहता हूँ इंदौर जो है सबसे स्वस्थ शहर भी भारत का बने। बहुत बहुत धन्यवाद। वहीं कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल की चेयरमैन टीना अंबानी ने कहा कि इंदौर में निपानिया में हमारा नया अस्पताल भी यहां आने वाले हर मरीज को बेहतर और गुणवत्तापूर्ण देखभाल प्रदान करेगा और इस तरह यह अस्पताल इंदौर शहर और आसपास के तरीके को बदल देगा। उन्होंने इंदौर की तारीफ करते हुए कहा कि देश की क्लीनेस्ट सिटी इंदौर भविष्य की उड़ान को तैयार है। ये न्यू इंडिया का सही उदाहरण है। टीना अंबानी इस दौरान अस्पताल से जुड़े डॉक्टरों के नाम और उनके योगदान को लेकर भावुक भी हुई। मच ग्रेटिट्यूड टू ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर श्री शिवराज सिंह चौहान जी एंड आवर लविंग मदर एंड आवर इंस्पिरेशन श्रीमती कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी। आई रियली मिस हर। आई वॉज लुकिंग फॉरवर्ड टू हैविंग हर हियर बट आई गेस नेक्स्ट टाइम। दे हैव स्पेयर्ड देयर वैल्यूएबल टाइम टू जॉइन अस वर्चुअली एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर दैट। Friends, it is an honor for me to be here today. I was in Indore a couple of months ago for the soft opening of this hospital. I returned to Mumbai, marveling at this beautiful and cleanest city and warmth of its people. My time in Indore showed me how ready the city is to take on the future. It's smart, it's eco-friendly, and a true example of the new India that we would all like to see. KDH is a perfect fit for this city as we benchmark ourselves not just to the best in the country but the world. Indeed, our healthcare journey has spanned close to 15 years. It's a very, very emotional moment. It has been both a rewarding and a humbling experience as we navigate this course. For me personally, it has brought a lot of meaning to my life and cherished me beyond, enriched me beyond measure. कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के लोकार्पण में वर्चुअली जुड़े मुख्यमंत्री शिवराज ने समारोह को संबोधित करते हुए कहा कि मैं दिल्ली में कार्यकारिणी बैठक होने के कारण कार्यक्रम में शामिल नहीं हो पाया, लेकिन जब भी इंदौर आऊंगा कोकिलाबेन अस्पताल जरूर आऊंगा। उन्होंने सभी को बधाई देते हुए कहा कि अस्पताल में कई जटिल ऑपरेशन भी आसानी से किए जाएंगे, खासकर रोबोटिक सर्जरी को लेकर अस्पताल में बेहतर सुविधाएं दी गई हैं। अब प्रदेश के लोगों को बेहतर इलाज के लिए कहीं दूर नहीं जाना पड़ेगा। वहीं उन्होंने अस्पताल का लोकार्पण करने आए अमिताभ बच्चन का स्वागत करते हुए कहा कि आप हमारे मध्य प्रदेश के दामाद हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। मध्य प्रदेश के भोपाल की बेटी श्रीमती जया बच्चन जी, राजेश मेहता जी, कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, सबसे पहले तो आदरणीय श्रीमती कोकिलाबेन अंबानी जी मैं उनको प्रणाम करता हूँ और हॉस्पिटल और BCM ग्रुप की कर्मठ टीम, बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले माफी मांगता हूँ। मुझे वर्चुअली नहीं एक्चुअली जुड़ना था, लेकिन BJP की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने के कारण मुझे यहाँ दिल्ली आना पड़ा और अभी बैठक समाप्त होते ही मैं बाहर निकला हूँ और कार से ही मैं अपनी शुभकामनाएं प्रेषित करने का प्रयास कर रहा हूँ। वो खबरें जो आपके काम की है, वो खबरें जो आपके लिए जरूरी है, हर आम और खास से जुड़े मसले, हर मसले का सटीक विश्लेषण, हम करते हैं सत्य का अन्वेषण। दखल न्यूज़ आपके हक में। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।